ईयर 1985। शाबानो इंदौर की रहने वाली एक महिला थी। उनके पति ने 40 साल की शादी के बाद उन्हें ट्रिपल तलाक के तहत तलाक दे दिया। शाबानो लगभग 60 साल की थी। उन्होंने अपने पति से एलिमनी की मांग की, मतलब इन्हें अपना जीवन जीने के लिए जीवन भत्ता चाहिए। पति ने मना कर दिया कि क्योंकि पर्सनल मुस्लिम लॉ में सिर्फ 3 महीने की एलिमनी का ही प्रावधान है। शाबानो कोर्ट के चक्कर लगाने लगी और फाइनली उनका केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शाबानो के पति को एलिमनी देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वुमेन्स राइट की तरह देखा और ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए ताकि ऐसा भेदभाव ना हो। पर इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोगों के। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और उस पर दबाव पड़ने लगा। फाइनली 1986 में राजीव गांधी सरकार एक कानून लेकर आई, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई मुस्लिम अपने पर्सनल लॉ के तहत तलाक देता है तो उसे एलिमनी नहीं देनी होगी। वो सिर्फ 3 महीने की एलिमनी देगा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आती है। इस तरह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। अब हम दूसरा केस देखते हैं। ईयर 2021। राजस्थान में एक व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक चाहता था। वो मीणा समुदाय से था जो शेड्यूल ट्राइब में आती है। वो व्यक्ति कोर्ट गया पर कोर्ट ने डिवोर्स देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने कोर्ट में एक पॉइंट रेज कर दिया। पत्नी का कहना था कि हमारी शादी भले ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से हुई हो, पर हम मीणा समुदाय से हैं और इस समुदाय में तलाक की प्रथा नहीं है और ये एक शेड्यूल ट्राइब है और इसे एग्जेम्पशन मिला है सरकार से। अब इसके बाद ये व्यक्ति गया दिल्ली हाई कोर्ट। वहाँ उसका सवाल था कि जब मैंने शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से करी है तो मुझे तलाक क्यों नहीं मिल सकता। कोर्ट ने लड़की की भी बात सुनी। कोर्ट ने माना कि लड़का और लड़की की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। उन्होंने ऐसे कानून बना ही क्यों रखे हैं जिसमें लड़का लड़की बाद में फंस जाते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार से कहा क्यों नहीं वो कॉमन सिविल कोड लेकर आते। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ऐसे ही कहा है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी आजकल इतनी बात हो रही है, वो आखिर है क्या? यूनिफॉर्म जिसका मतलब है एक जैसा। जैसा जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब एक जैसे कपड़े यानी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। स्कूल जाने वाला हर बच्चा बराबर है, एक जैसे कपड़े पहनता है, एक जैसी पढ़ाई करता है और एक जैसे ही एग्जाम्स देता है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है सबके लिए एक जैसे सिविल लॉज। इंडिया में 2 टाइप के लॉज हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल यानी चोरी मर्डर जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए सबके लिए सेम लॉज हैं, चाहे आप किसी कास्ट रिलीजन जेंडर को बिलोंग करते हो। वही सिविल लॉज में ऐसा नहीं है। सिविल लॉज में शामिल है शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन जैसी चीजें और इन सब के लिए अलग अलग कानून है जाति, धर्म, रीजन के हिसाब से। अब सवाल उठता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है, जिसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 23 नवंबर 1948। सिविल मामलों को निपटाने के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए, इस पर बहस हो रही थी। इसके खिलाफ थे कई मुस्लिम और हिंदू लीडर्स। उन्हें डर था कि इस समय सबको एक मत कर पाना मुश्किल है और इससे सोशल अनरेस्ट हो सकता है। पर B.R. अंबेडकर का कहना था कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार लाए बगैर देश को सामाजिक बदलाव के युग में नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने तब ही बता दिया था कि अगर देश को समान कानून नहीं मिला तो हम भेदभाव दूर नहीं कर पाएंगे। पंडित नेहरू भी इस बात से सहमत थे, पर सबकी सहमति ना हो पाने से कॉन्स्टिट्यूशन में तब कॉमन सिविल कोड नहीं आ पाया। पर आर्टिकल 44 शामिल किया गया जो कहता है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगी। पर आज तक किसी भी सरकार ने इसे लागू करने का प्रयास नहीं करा है। अब इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वोट पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन या कंसेंसस ना बन पाना। US सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और वहाँ सब सिटीजंस के लिए सेम लॉज हैं। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक सेकुलर देश है, पर यहाँ लॉज रिलीजन, कास्ट और ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ट्राइब्स ने अपने पर्सनल लॉज बनाए हैं अपने कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। मुस्लिम्स में लड़कों को 4 शादी करना अलाउड है। वहीं हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1956 कहता है कि फादर इज नेचुरल गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड और पिता के बाद माँ गार्जियन होती है एक लड़का या अनमैरिड लड़की की। ऐसे कई अलग अलग लॉज हैं अलग अलग रिलीजन्स, रीजन्स और कम्युनिटीज में। 1950s में हिंदू पर्सनल लॉज को रिफॉर्म किया गया और नए लॉज बनाए गए। पंडित नेहरू का कहना था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहला कदम है, पर ये प्रयास यहीं रुक गए। BJP के मैनिफेस्टो का पार्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कराना और इसलिए पार्टी इसकी बात कर रही है। वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है क्योंकि ये मुस्लिम्स को टारगेट करेगा। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल ग्रुप्स भी इसके खिलाफ हैं। जो लोग इसका साथ दे रहे हैं उनका कहना है कि ये देश में यूनिफॉर्मिटी लाएगा और सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।
थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.